खबर बदायूं से है, जहां पर महिला सुरक्षा को लेकर योगी सरकार अनेकों प्रयास कर रही है, लेकिन बदायूं में महिलाएं सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। वहीं महिला ग्राम प्रधान ने आरोप लगाया कि गांव के ही दबंग लोग गंदी गंदी गालियां व छेड़छाड़ कर रहे थे। बताया गया है कि महिला ग्राम प्रधान मंदिर में पूजा करने गई थी, तभी गाँव के कुछ लोग वहाँ पर पहुंचे और गालियां देने लगे। महिला प्रधान को गंदी नियत से गले में हाथ डाल दिया, तभी महिला ने डायल 112 पर फोन किया। कुछ आरोपियों को पकड़कर थाने में बंद कर दिया गया। पूरा मामला बदायूं जिले के उगैती थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरी रघुनाथपुर का है, जहां की रहने वाली ग्राम प्रधान ब्रह्मा देवी का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। ग्राम प्रधान होने की वजह से प्रधान पति सतीश चंद्र दोनों का फैसला कराने को लेकर थाने गए थे। आरोप है कि इसी बात को लेकर राजेंद्र और सुरेश व उसके साथ ही शराब पीकर गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। पीड़िता ने बताया कि जब सुबह मंदिर में पूजा करने जा रही थी, तभी उक्त लोग मंदिर पहुंच गए और अश्लील हरकत की। ब्रह्मा देवी रघुनाथपुर पीपरी, क्या मामला था? हमारे पति को गाली देते हैं और रात भी गाली दी थी। कल एक मैटर था थाने में, उनकी तरफ से वो आ गए थे तो उनने कह दी कि ये झूठा है केस, लेकिन इसी बात पे शराब पी के हमारी लड़की ने बहुत गाली दी और क्या कहते हैं बहुत बदतमीजी दिखाते हैं। सुबह मैं मंदिर जा रही थी पूजा करने, तो क्या कहते हैं मेरे पीछे से दुपट्टा खींचा और दुपट्टा खींचने के बाद में आगे से बदतमीजी दिखाई। फिर मैंने कही अरे का तेरा दिमाग खराब है, नहीं हटा पीछे को, सब पीछे को हटा। फिर मैंने 100 नंबर पर फोन करा, फिर क्या कहते हैं पुलिस आ गई। फिर इतने में ही पुलिस उन्हें बैठा के ले आई यहाँ पे। हाँ, और बहुत बदतमीजी दिखाते हैं, मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी है इन लोगों ने। हाँ हाँ, मैंने पत्र भी दिया है थाने में, अभी कोई सुनवाई नहीं है। किसने बदतमीजी किया? बदतमीजी की है राजेंद्र और अरुण और वो क्या नन्नू की सुरेश, उनका दो नाम नन्नू की सुरेश। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, सुबह से थाने में पड़ी हूँ मैं, मौजूदा प्रधान हूँ। बदायूं से वीरपाल सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।